Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection which is History of Measurement of Intelligence. This subsection is from Unit 3, which is Measurement of Intelligence. Unit 3 is from Block 2, MPC 001, Cognitive Psychology, Learning and Memory. फ्रेंड्स, इस चैप्टर के जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, इस चैप्टर के मैंने तीन वीडियो बना रही हूँ मैं. फर्स्ट वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कवर कर लिया है. सेकंड वीडियो ये है जिसमें हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कवर करूंगी, और थर्ड वीडियो में आपको मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में मिलेगा. सो कमिंग टू द टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस को मेजर करने का करना शुरू कैसे हुआ, और कौन कौन से लोग आए जिन्होंने इंटेलिजेंस को मेजर करने में हेल्प किया और बहुत सारे टेस्ट बनाए. पहला जो नाम आता है, अगेन अगर मैं आपको बताऊं इसको शुरू करने से पहले, जिसमें भी आपको स्टार दिख रहा है, यानी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी एग्जाम में आएगा, गाल्टन एंड कैटल के बारे में बात की है. जो गाल्टन थे, उन्होंने पहली बार सिंपल टेस्ट एडमिनिस्टर किया था. इनका नाम है पूरा सर फ्रांसिस गाल्टन. ये ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे. सो इन्होंने जो पहला सिंपल टेस्ट किया था एडमिनिस्टर, वो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का टेस्ट था. जो हाईएस्ट ऑडिबल पिच मतलब सुनने की शक्ति सबसे ज़्यादा, काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन मतलब बॉडीली मूवमेंट की एबिलिटी, यानी तीन चीज़ें, विजुअल मतलब देखने वाला, ऑडिबल मतलब सुनने वाला, एंड काइनेस्थेटिक मतलब मूवमेंट वाला. ये तीन चीज़ों के बारे में सिंपल टेस्ट बनाए थे गाल्टन ने, और उसको एडमिनिस्टर किया था. उन्होंने ये सोचा था कि इंटेलिजेंस जो है वो मेजर किया जा सकता है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन से ही, मतलब ऐसे टेस्ट से जो ये तीनों चीज़ें टेस्ट करती हैं, उसी से ही हम इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हैं. वो बिलीव करते थे कि जो हमारी एबिलिटी है हीट, कोल्ड और पेन को डिस्क्रिमिनेट करने की, वो हमारे इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है, और एक इंटेलिजेंट पर्सन को मेंटली रिटार्डेड पर्सन से सेपरेट करता है. यानी पहले के जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते थे, वो दो लोगों की इंटेलिजेंस को मेजर नहीं करते थे, वो टेस्ट मेजर करते थे एक मेंटली रिटार्डेड इंसान और एक नॉर्मल इंसान के बीच में फर्क. नाउ नेक्स्ट जो टर्म है मेंटल टेस्ट जो टर्म है, ये पहली बार कैटल ने यूज़ किया था. कैटल का पूरा नाम था, और 1890 में किया था. कैटल का पूरा नाम था जेम्स मैककीन कैटल. सो इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि तरह तरह के टेस्ट है जो मेजर करते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल लोगों का, जिसमें इंक्लूड होता है कि हम उसमें क्या क्या मेजर कर सकते हैं. उन टेस्ट में मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ मूवमेंट, सेंसिटिविटी टू पेन, कीननेस ऑफ विजन एंड ऑफ हियरिंग, वेट डिस्क्रिमिनेशन, रिएक्शन टाइम, मेमोरी, ये सारी चीज़ें उस टेस्ट में हम चेक कर सकते हैं. एल्फ्रेड बिनेट का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें, तो एल्फ्रेड बिनेट जो थे, ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनको रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे रिलायबल डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाएं जिससे वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो मेंटली रिटार्डेड है. यानी मेंटली रिटार्डेड बच्चों को कैसे पता लगाना है उनके बारे में, वो एल्फ्रेड बिनेट से रिक्वेस्ट की गई थी. और किसने की थी? फ्रेंच गवर्नमेंट ने की थी. सो जो भी इनके टेस्ट थे, वो इसीलिए इस तरह के बनाए जाते थे कि वो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मेंटल फैसिलिटीज़ होती थी उसमें, जैसे कि मेमोरी, इमेजरी, इमेजिनेशन, अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, एस्थेटिक सेंटीमेंट, मॉरल सेंटीमेंट, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मोटर एबिलिटी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें उस टेस्ट में हुआ करती थी जो पहले बनाई गई. बिनेट जो थे, उन्होंने फिर सिमोन के साथ मिलके बिनेट सिमोन स्केल बनाया, जो 1905 में बना था. ये थोड़ा सा डिफरेंट था जो पहले स्केल बन गए थे, और अभी जो स्केल हैं उनसे बहुत डिफरेंट है. जो ओरिजिनल स्केल था उसमें सिर्फ 30 पास फेल आइटम्स होते थे, मतलब येस और नो वाले टाइप के क्वेश्चंस. फिर आज के आइटम जो होते हैं उनमें और कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मेडिकल और फिजिकल स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं पूरा टास्क कंप्लीट करने के लिए. मेजर ब्रेक थ्रू जो था बिनेट सिमोन स्केल का, वो
ये था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स थे, टास्क जो थे वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी को लिए हुए थे, और ये मेंटल एबिलिटी की ब्रेथ को भी चेक करते थे, मतलब कितना ज़्यादा डिटेल्ड है मेंटल एबिलिटी, कितनी दूर तक की मेंटल एबिलिटीज़ को ये मेजर करता है। ब्रेथ ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ का मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑफ एबिलिटीज जो एक इंटेलिजेंस में होती है, वो सारी एबिलिटीज को चेक करना। तो इंटेलिजेंस जो था वो जो इंटेलिजेंस है वो इस तरह की है जो क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू ज्यादा अच्छे से चेक हो सकती है रादर फिजिकल मेजरमेंट के, ऐसा उन्होंने बताया। फर्दर जो इनका स्केल 1911 में आया, जो एक और नया वर्जन था, सेकंड रिवीजन था उनके स्केल का, वो एज पे डिपेंडेंट था, मतलब अब वो एडल्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा था। पहले सिर्फ बच्चों को इन्वॉल्व करते थे, अब एडल्टहुड को में भी इन्वॉल्व था, मतलब एडल्ट लोगों की भी इंटेलेक्चुअल टेस्ट हो सकती थी इसमें, और ये डायग्नोस कर सकते थे। जैसे पहले के टेस्ट जो सिर्फ डायग्नोस करते थे मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में, बट ये जो टेस्ट था ये एडल्ट्स में भी चेक कर सकता था, तो एडल्ट्स को भी इस स्केल में इन्होंने इंक्लूड किया। और लेकिन इसका रीबैलेंसिंग के ऊपर भी इन्होंने काम किया, 5 आइटम्स हर एक एज ग्रुप के लिए इन्होंने डाले उस टेस्ट में। तो जो एबिलिटीज टारगेटेड थी 1911 एडिशन में, वो कौन कौन सी एबिलिटीज टेस्ट कर रहे थे, ये लैंग्वेज, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग, लर्निंग एंड मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सबको वो टेस्ट मेजर करता था। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, ये वाला जो स्केल है ये बनाया गया, जो 1916 में बिनेट ने ये स्केल पब्लिश किया था। इसके एडवांटेज ये थे कि बाकी इंटेलिजेंस स्केल के बजाय कि ये बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, बहुत सारे 3 एडवांटेजेस इन्होंने बताया। फर्स्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, 1916 में बना हुआ जो वर्जन था ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, बहुत डिटेल्ड था, मतलब कि। सेकंड इसका जो पॉइंट है, जो एडवांटेज का है, ये कि ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर इसका बहुत सही था, जो टर्मन ने यूज़ किया था, और बहुत मोस्ट रिग्रस ऑफ द टाइम, और उस टाइम का सबसे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट माना जाता था ये। थर्ड एडवांटेज ये है कि इसने इंक्लूड किया था एक्सटेंसिव मैनुअल, मैनुअल होती है जिसे हम पढ़ पढ़ के यूज़ करना सीखते हैं किसी टेस्ट को, उसको हम मैनुअल कहते हैं। तो उसमें पूरी एक मैनुअल भी इन्होंने डाली थी जिसको पढ़ के हम कैसे टेस्ट करना है वो सीख सकते थे। उसमें टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ था, और टीचिंग एड भी थे उसमें जिसको यूज़ करके हम टेस्ट को समझ सकते थे कि क्या कैसे करना है। तो ये स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल की 3 एडवांटेजेस थी, ये पूछ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल में भी आता है, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल फाइल में भी जब आप इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखते हैं या और डिटेल में लिखते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो आप ये चीज़ें भी डाल सकते हैं। सो बहुत कुछ ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। कंसेप्ट ऑफ IQ की बात करें तो ये स्टर्न ने दिया था 1912 में, IQ क्या होता है। तो IQ की डेफिनेशन यही है जो इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। सो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को अगर अकेले अकेले डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल ना आए इसीलिए इनको 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। तो ये वाला IQ टेस्ट अभी भी यूज़ होता है जो हम चेक करने के लिए किसी की IQ को यूज़ करते हैं। सो IQ से हमें लोगों के इंटेलिजेंस का पता चल जाता है। World War I एंड आर्मी पर्सनल सिलेक्शन, World War I 1917 की बात है, जब APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसकी वेबसाइट है, आप जाके ऑनलाइन गूगल पे चेक कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप APA डालेंगे तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी। APA की साइट, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं अपने सेकेंड ईयर में, तो उसमें भी APA की गाइडलाइंस को पढ़ के हमें एडिटिंग करनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट की पूरी। सो वहाँ से आप देख सकते हैं APA कितना पॉपुलर है, तो ये कितना पुराना है आप ये भी देख सकते हैं। World War I के टाइम, 1917 के टाम से ये है। सो APA जो है उन्होंने ये कमिटी थी APA की, उन और किसकी, यर्क्स, एम रॉबर्ट एम यर्क्स, इनकी लीडरशिप में ये बनाई गई थी, और उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए थे जो रैपिडली क्लासिफाई करते आर्मी पर्सनल, मतलब आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको कैसे डिवाइड करना है। तो इन्होंने 2 टेस्ट बनाए थे अमेरिकन आर्मी के लिए, वो टेस्ट कौन से थे, आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। जो आर्मी अल्फा था वो लैंग्वेज टेस्ट था,
और जो दूसरा था वो नॉन लैंग्वेज परफॉर्मेंस टेस्ट था. आर्मी बीटा वॉज नॉन लैंग्वेज परफॉर्मेंस टेस्ट एंड आर्मी अल्फा वॉज लैंग्वेज टेस्ट. तो इस तरह के टेस्ट डेवलप किए गए थे. फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका डिटेल आगे भी हम कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो डोंट डिसहार्टन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज टॉपिक्स. सिंस दीज वीडियोज आर स्मॉल, सो यू कैन वॉच सेवरल वीडियोज ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स. दैट वुड हेल्प यू ऑल्सो. सो आई होप माई वीडियोज आर यूजफुल टू यू. डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो द वीडियोज. आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ मैंशन करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन रहता है वीडियोज बनाने का. लेट मी टेल यू, आई एम हैविंग फीवर दीज डेज. आज भी मैं बीमार हूँ, बट मेडिसिन के बाद मैं बैठी हूँ वीडियोज बनाने के लिए आपके लिए. सो आई होप मेरे वीडियोज आपके लिए यूजफुल हैं. आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, दैट इज वाई आई एम पुटिंग वीडियोज डेली ऑन, नो मैटर हाउ आई एम फीलिंग, हाउ माई हेल्थ इज. सो प्लीज अप्रिशिएट दैट. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज विद अदर स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय.